खबर कानपुर से है। बीते दिनों थाना रायपुर व अंतर्गत दोनों पक्षों में, आपको बता दें दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट को लेकर भाजपा पार्षद सौम्य शुक्ला ने वीडियो जारी किया है। पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। वीडियो जारी कर भाजपा वार्ड 95 की पार्षद सौम्य ने पूरी घटना बताई है। कहा कि वे सिख समुदाय की हमेशा इज्जत करती आई है और आगे भी करती रहेंगी, लेकिन कुछ लोग इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से मीडिया से गुहार लगाई है। मैं सौम्या शुक्ला वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के ज़रिए बहुत तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा, तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयति से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आईं। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हुई, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं पे भी नहीं आई है। सिर्फ एक पक्षीय बात ही चलाई जा रही है, हमें अपराधी साबित किया जा रहा है। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा नारी होना एक अभिशाप है, या यदि किसी पत्नी को पत्नी के साथ अभद्रता होती है, उससे बदतमीजी होती है और उसके पति द्वारा उसका विरोध किया जाना गलत है? आप ही बताइए। जहां एक ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए सदन में बिल पास कराया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर कुछ कुंठित मानसिकताओं के लोग हैं जो समाज में नारी उत्थान के विरोधी और भाजपा की विचारधाराओं को ना मानने वाले, उन्हीं लोगों के द्वारा इन सारे प्रकरणों को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। हमारा परिवार पहले से ही सिख समुदाय के लिए श्रद्धा का भाव रखता आया था, रखता है और आगे भी रखता रहेगा, लेकिन ये जो चालक हैं, ये मेडिकल के बड़े व्यापारी हैं, इन्होंने पैसे से और मेडिकल में साठ गांठ से फर्जी मेडिकल पत्र बनवाए, जिससे कि ये सारे आरोप हम पर मर सकें। अपने आप को इन्होंने दिल्ली रेफर कराया और दिल्ली रवाना हो गए। अब इन्हीं के द्वारा डाली गई तस्वीरें ही हमारा पक्ष साबित करेंगी, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे जब ये एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं तो इनकी आंखों में पट्टियां हैं, नाक को टूटा, नाक की हड्डी टूटी हुई बताई जा रही है, मुंह पे चोटें हैं, पट्टी बंधी है हुए मुंह पे।
और उसी के दूसरे दिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें इनकी आंखों में कोई पट्टी नहीं है, नाक में कोई बैंडेड नहीं है, कहीं पे भी चेहरे पे चोट के निशान नहीं है। बताया जा रहा है इनकी 7 से 8 घंटे तक सर्जरी हुई है आंख की। अब आप ही बताइए, क्या इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आंखों में पट्टी नहीं लगी होनी चाहिए या नाक में बैंडेड नहीं होना चाहिए? तस्वीरें आपके ही सामने हैं, आप खुद ही इस सच्चाई का पता लगाइए। वो लोग दोषी होते हुए भी निर्दोष साबित हो रहे हैं और हम लोग निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित किए जा रहे हैं। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री की संपूर्ण जांच कराई जाए। अपने मीडिया कर्मियों से, मीडिया भाई बहनों से, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरा दावा रखेंगे, मेरी बात को भी उजागर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले को अपने संज्ञान में लें और इसकी कड़ी से कड़ी जांच करवाएं, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिले और आइंदा से इस तरह की घटना ना हो। जय श्री राम।